जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समय से उपस्थिति के लिए मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी गण, उप जिला अधिकारी गणों से विभिन्न कार्यालयों का औचक जांच कराया, जिसमें 70 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण में विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें जिला पंचायत राज विभाग में 16, समाज कल्याण विभाग में 4, सहायक अभियंता लघु सिंचाई कार्यालय में 2, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 2, जिला पूर्ति कार्यालय में 3, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन में 1, जिला शिक्षा वर्ग कल्याण अधिकारी 1, खंड शिक्षा अधिकारी भरोइया कार्यालय में 1, निबंधन कार्यालय में 4, खंड विकास अधिकारी पिपराइश कार्यालय में 1, आरटीओ कार्यालय में 3, उप संभागीय परिवहन कार्यालय में 8, उपायुक्त उद्योग कार्यालय में 2, बाल विकास परियोजना अधिकारी कैंपियरगंज कार्यालय में 2, खंड शिक्षा अधिकारी गोला कार्यालय में 1, बाल विकास परियोजना अधिकारी बासगांव कार्यालय में 3, उप निदेशक कृषि कार्यालय में 9, उप निदेशक भूमि संरक्षण कार्यालय में 1, चालक प्रशिक्षण संस्थान में 1 एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी ब्रह्मपुर कार्यालय में CDPO सहित 3 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट की जांच में विलंब से आने पर 19 कर्मचारियों का स्पष्टीकरण लेते हुए भविष्य में समय से कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज जनपद के विभिन्न कार्यालयों में उपस्थिति की जांच की गई। मेरे द्वारा RTO साहब के कार्यालय की जांच की गई लगभग सुबह 10:20 पे। तो मैंने ये पाया कि वहाँ अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी तब तक कार्यालय नहीं आए थे। हमने अपनी रिपोर्ट बना करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी है और नियमानुसार उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कहीं भी जांच की आपके द्वारा? इसके अलावा अन्य अधिकारियों ने अन्य जगहों पर जाँच की। मैंने सहजनवा का जो ब्लॉक कार्यालय है उसकी भी जाँच की, वहाँ पर सभी लोग उपस्थित पाए गए उस समय तक।